लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की जीत की भविष्यवाणी की है। प्रशांत किशोर के मुताबिक 4 जून को एक बार फिर मोदी सरकार की सत्ता में वापसी होगी। उनके मुताबिक चुनाव में बीजेपी को 303 या फिर इससे ज्यादा सीटें मिलेंगी। उनके आकलन पर सवाल उठाने वालों को गुरुवार को उन्होंने जवाब दिया। प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि पानी पीना अच्छा है क्योंकि ये दिमाग और शरीर दोनों में तरावट रखता है। जो लोग इस चुनाव के नतीजे के बारे में मेरे आंकलन से चकित हैं, उन्हें 4 जून को भरपूर पानी अपने पास रखना चाहिए। आपको बता दें कि 21 मई को एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा था कि इस समय विपक्ष और आम लोगों का आंकलन इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है कि भाजपा को 370 सीटें आएंगी या नहीं, और 272 की कोई बात ही नहीं क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 272 है, लेकिन इसकी बात कोई नहीं कर रहा। किशोर के मुताबिक ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, तमिलनाडु, केरल जैसे पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में जितनी सीटें भाजपा के पास है उससे 15 से 20 सीटें बढ़कर आएंगी। इन राज्यों में भाजपा का वोट शेयर भी बढ़ेगा, यानी आज जो एनडीए की स्थिति है उससे बेहतर ही स्थिति बन सकती है। सीटें कम होने की संभावना बहुत कम दिखाई देती है। प्रशांत किशोर ने 4 प्रमुख भविष्यवाणियां की थी। उन्होंने उस दौरान कहा था कि इस बार भी नरेंद्र मोदी की ही नेतृत्व में फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार सत्ता में वापसी करेगी। उनके मुताबिक देश में मोदी विरोध लहर देखने को नहीं मिल रही है। मोदी के नाम पर बीजेपी इस चुनाव को जीतने जा रही है। उनके मुताबिक 400 पार और 370 का नारा बस बीजेपी का चुनावी गेम। विपक्ष इसको समझ नहीं पाया और बुरी तरह उलझ कर रह गया। उनका कहना है कि एनडीए साल 2019 की तरह 303 के स्कोर पर या फिर उससे भी अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि उत्तर और पश्चिम में करीब 325 लोकसभा सीटें, ये क्षेत्र 2014 से बीजेपी का गढ़ रहा है। मौजूदा लोकसभा चुनाव में भी पश्चिम और उत्तर में बीजेपी को कोई खास नुकसान नहीं होता दिख रहा। उन्होंने बताया कि पूर्व और दक्षिण में जहां करीब 225 सीटें हैं, वर्तमान में बीजेपी के पास इन राज्यों में 50 से भी कम सीटें हैं। पहले भले ही बीजेपी का प्रदर्शन इन जगहों पर अच्छा ना रहा, लेकिन इस चुनाव में ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, आंध्र, बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल जैसे दक्षिण पूर्वी राज्यों में बीजेपी के सीटें घटने की बजाय बढ़ जाएंगी। यहां पर पार्टी कुल सीटों में से 15 से 20 सीटों का फायदा होता दिख रहा है, और इसके लिए विपक्ष इस बात को पचा नहीं पाएगा, लेकिन यह सत्य है।